आला हजरत की खिदमतें सर आंखों पर हैं, उन्होंने नात की नहरें बहाई हैं, उन्होंने इस सुन्नियत की हिफाजत की है, उन्होंने खानकाहियत की हिफाजत की है, इसमें कोई शक नहीं है। मोहतरम नासिन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ शजर अली मकनपुरी की वो क्लिप, जिससे देखकर आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे और थोड़ा सा चौंक जाएंगे। दरअसल वो अपने किसी प्रोग्राम में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुन्नियत पर आला हजरत का एहसान है, उनके फतवों ने सुन्नियत को फरोग दिया है और वो भी मुजद्दीन में है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि शजर अली मकनपुरी साहब किस तरह से सरकार आला हजरत की तारीफ बयान कर रहे हैं और उनके बारे में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आला हजरत का एहसान सुन्नियत पर है। तो नाज़रीन हजरात, आइए पहले उनकी ये क्लिप देख लेते हैं जिसमें वो आला हजरत के बारे में क्या कहते नजर आ रहे हैं। मुजद्दीन गुजरे हैं, हजरत सरकार मुजद्दिद अल-फ़िसानी हुए, हजरत शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी हुए, सुन्नियों में आला हजरत का नाम भी मुजद्दीन में आता है। तो मुजद्दीन की भी खिदमतें हैं और उलमा की भी खिदमतें हैं, औलिया की भी खिदमतें हैं। सुन्नी वो है जो सबको माने। जरा कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुन्नी वो है जो सबको माने। आला हजरत की खिदमतें सर आंखों पर हैं, उन्होंने नात की नहरें बहाई हैं, उन्होंने इस सुन्नियत की हिफाजत की है, उन्होंने खानकाहियत की हिफाजत की है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो खिदमत की है सुन्नत की, उसका मुकाबला रहती दुनिया तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, आला हजरत की खिदमतें सर आंखों पर हैं, उनके फतवे सर आंखों पर हैं, उनका इश्ते रसूल। नासिर हजरत, आपने देखा कि शजर अली मकनपुरी ने भी मान लिया कि बेशक आला हजरत का एहसान सुन्नियत पर है और उन्होंने सुन्नियत के लिए बहुत बड़ा काम किया है और वो भी मुजद्दीन में है। और यकीन मानो कि अगर आप कहीं भी जाकर चादर चढ़ाओगे तो आप बरेलवी ही कहलाओगे। शजर अली की ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली नई वायरल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।